चलो अब ध्यान से, कैल्सिनेशन में हम लोगों ने क्या बोला कि कैल्सिनेशन क्या होता है, जब लोग हम लोग एक ओर को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना, रादर करेंगे ही नहीं, ठीक है। और रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग में हम लोग अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन, आने दो आने दो आने दो, ठीक है ना, बहुत सारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे, ठीक है। अब देखो जिंक की दोनों ओर होती है, जिंक की कार्बोनेट ओर भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जिंक कार्बोनेट, इसको हम लोग बिना ऑक्सीजन के क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोगों ने बोला यहाँ मुझे एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए, मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या मुझे यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स मिल गए। हाँ, सिमिलरली सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मैंने जिंक सल्फाइड की ओर ली और इसको किसकी प्रेजेंस में हीट किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। आ रही है क्या बात समझ में, ठीक है। तो कैल्सिनेशन किसके लिए की जाती है, कार्बोनेट ओर के लिए, और रोस्टिंग किसके लिए की जाती है, सल्फाइड ओर के लिए। कैल्सिनेशन में हम लोग लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, रोस्टिंग में हम लोग फुल ऑन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं। इज दैट इम्पोर्टेंट है, समझो। कभी कभी एग्जाम में सीधे फुल फ्लेज्ड 5 मार्क का क्वेश्चन आता है कि समझाओ एक्सट्रैक्शन लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैसा होगा, मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज कैसा होगा, हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज होगा, 5 मार्क का एक क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। क्योंकि क्वेश्चन के 3 पार्ट तो हो गए ना, लो का बताओ, मिडिल का बताओ, हाई का बताओ। आ रही है बात समझ में, या फिर आपको मेटल का नाम दे देंगे कि बताओ कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसा होता है, बताओ आयरन का एक्सट्रैक्शन कैसा होता है, बताओ मर्क्यूरी का एक्सट्रैक्शन कैसा होता है, तो उसमें आपको पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। और हम लोग भी पूरी स्टोरी क्या कर रहे हैं, रिडक्शन वाली कहानी, तो रिडक्शन में पढ़ेंगे ही लेकिन साथ में स्टार्टिंग से भी पूरी कहानी पढ़ेंगे। अब रिडक्शन में पहली स्टोरी किसकी है, लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज की, किसकी, लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो जब हम लोग लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट जो हम लोग को लेना है वो कौन सा लेना है, मर्क्यूरी। कौन सा लेना है, मर्क्यूरी की जो ओर होती है वो होती है सिनेबार। क्या होती है, सिनेबार इज केमिकली HGS। क्या है, HGS, क्योंकि ये S दिख रहा है, क्योंकि ये एस दिख रहा है, इस बात से समझ में आ रहा है कि ये अपने आप में क्या है, एक सल्फाइड ओर है, ये अपने आप में क्या है, सल्फाइड ओर है, क्योंकि एक सल्फाइड ओर है, तो इस सल्फाइड ओर का अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन करने जाऊंगी तो बताओ कौन सा प्रोसेस लगेगा, फ्रॉथ फ्लोटेशन। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन करने जाऊंगी तो हमें क्या लगेगा, फ्रॉथ फ्लोटेशन, वो पाइन ऑयल वाला प्रोसेस। आ रही है बात समझ में, हाँ। फिर तुमने बोला कि जो स्टेप 2 होता है कौन सा, कन्वर्जन टू ऑक्साइड वाला, जो स्टेप 2 होता है कौन सा, कन्वर्जन टू ऑक्साइड वाला, उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, तुमने बोला दीदी सल्फाइड ओर है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब, रोस्टिंग मतलब HGS को लूंगी, किसकी प्रेजेंस में हीट करूंगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, HGS लूंगी, उसको किसकी प्रेजेंस में हीट करूंगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जब मैं इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करूंगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा, HGO प्लस SO2। इज दैट क्लियर, यहां पर मेरा स्टेप 2 क्या होता है, खत्म। स्टेप 3 क्या पढ़ा था हम लोगों ने, रिडक्शन। स्टेप 3 क्या पढ़ा था, रिडक्शन। रिडक्शन में किसकी बात आ गई, प्यार की, किससे प्यार की, ऑक्सीजन की। क्या मर्क्यूरी को ऑक्सीजन से बहुत प्यार होता है, नहीं। तो अगर इनके बीच में क्या लगा देंगे, आग, अगर इनके बीच में क्या लगा देंगे, आग, तो क्या ये दोनों अलग हो जाएंगे। हाँ, तो हम लोगों ने HGO को जब सिंपली क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, HG+O2। क्या ये जुदा हो गए, क्या हमें इन्हें जुदा ही करना था, क्या मेरा मर्क्यूरी एक्सट्रैक्ट हो गया। हाँ बोलो, कोई परेशानी। अब हम लोग एक्टिविटी सीरीज में दो कहानी देखी, एक कौन सी देखी, मर्क्यूरी वाली। अब दूसरी कौन सी देखेंगे बेटा, कॉपर वाली। दूसरी कौन सी देखेंगे, कॉपर वाली। अब नैवेद्य, कॉपर की जो ओर होती है ना, कॉपर की जो ओर होती है,
वो होती है Cu2S, जिसे हम लोग कहते हैं कॉपर पायराइट्स। क्या कहते हैं? अगेन सुनो, ये और ही सल्फाइड है, ये नेचुरली मिलती ही ऐसे है, समझ में? हाँ, ये ग्लेंस है तो पायराइट CuSO4 होगी। हाँ पायराइट भी होती है, वो कार्बोनेट होगी यहाँ तो। चलो तो ये क्या है? Cu2S। अब क्योंकि अगेन ये भी क्या है? सल्फाइड हो रहा है, क्योंकि ये भी क्या है? सल्फाइड हो रहा है, तो इसमें जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, इसमें जब हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन किससे होगा? कॉन्सेंट्रेशन किससे होगा? प्रोथ फ्लोटेशन। कॉन्सेंट्रेशन किससे होगा? प्रोथ फ्लोटेशन से होगा, ठीक है ना? कॉन्सेंट्रेशन के बाद स्टेप टू क्या थी? रिडक्शन, हाँ सॉरी, कन्वर्जन टू ऑक्साइड। क्या थी? कन्वर्जन टू ऑक्साइड। ये जो कन्वर्जन टू ऑक्साइड होगा, ये हम लोग किससे करेंगे? रोस्टिंग से। क्यों करेंगे? क्योंकि सल्फाइड हो रहा है, तो ये जो Cu2S है, इसमें जब हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा? Cu2O+SO2। अब बात बहुत ध्यान से सुनना, हमें क्या करना था? कॉपर और ऑक्सीजन में वैसे ही कुछ खास प्यार नहीं है, तो इनको जो अलग भी करना है, यानी का जो इनका रिडक्शन जो होना है, वो किससे होना था? हीट से ही होना था। तो हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शन मिक्सचर चेंज करे बिना, रिएक्शन मिक्सचर चेंज करे बिना, मतलब मेरे रिएक्शन मिक्सचर में क्या होता है? Cu2S भी होता है, कुछ Cu2S काय में कन्वर्ट हो चुका होता है, Cu2O में भी कन्वर्ट हो चुका है, प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसको हम लोग क्या करते हैं? फर्दर हीट करते हैं। क्या करते हैं? फर्दर हीट। तो जब हम लोग यहाँ पर फर्दर हीट करते हैं, तो मेरे पास आखिरी में क्या बच जाता है? Cu और SO2। कंसेप्ट क्या था कि नॉर्मली अगर हम लोग मर्क्यूरी से कंपेयर करें, तो मर्क्यूरी के हिसाब से हमें जो हमारा थर्ड रिएक्शन था, हमारा जो थर्ड रिएक्शन था, उसमें सिर्फ क्या लेना था? Cu2O और ऑक्सीजन। इस Cu2S की जरूरत थी ही नहीं, लेकिन टेक्निकली देखें आप, एक्चुअली कमर्शियली क्या करोगे? आप Cu2S से Cu2O में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको दूसरे कंटेनर में डालोगे क्या? नहीं, क्योंकि पता है ना, फर्दर भी हीट ही करना है, तो इसी में हम लोग हीट करते रहते करते रहते करते रहते, जब तक पूरा Cu2S Cu2O में कन्वर्ट ना हो जाए, और Cu2O इवेंचुअली काय में कन्वर्ट ना हो जाए? सीधे कॉपर में कन्वर्ट ना हो जाए। इज दैट क्लियर? मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। अब जब हम लोग मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना, या हम लोग दो कहानी एक साथ करते हैं। हाथों हाथ यहीं पे क्या देख रहे हैं? बायकार्बन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोक कहते हैं। और यहाँ पर हाथों हाथ क्या देख लेंगे? बाय एल्यूमिनियम भी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट ऑक्साइड है हाथ में। क्या है हाथ में? ऑक्साइड, ठीक है ना? तो अगर मेरे हाथ में क्या है? जिंक ऑक्साइड है। अगर मेरे हाथ में क्या है? जिंक ऑक्साइड है। और अगर मेरे हाथ में क्या है? लेड ऑक्साइड है, यानी कि PbO। तो दोनों को किसके साथ हीट करना है? कार्बन के साथ। दोनों को किसके साथ हीट करना है? कार्बन या फिर कोक के साथ। तो इवेंचुअली मेरे हाथ में क्या आ जाएगा? जिंक अलग हो जाएगा, और कार्बन जिंक से ऑक्सीजन छीन कर ले जाएगा। कार्बन लेड से ऑक्सीजन छीन कर ले जाएगा। पिज्जा कार्बन को ज्यादा पसंद है, तो कार्बन ले गया, ये देखता रह गया क्या? बोलो कोई परेशानी, आगे जाए, जल्दी बोलो। ठीक है, तो ये क्या है? ZnO+CpS+PO। अच्छा सुनो, जिंक की अगर तुम्हें याद हो, तो हम लोगों ने इसकी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की रिएक्शंस भी देखी थी। जिंक की जो कार्बोनेट और थी, उसको हमने जस्ट लाइक दैट हीट किया था, तो मेरे पास क्या आ गया था? ZnO+CO2। मैंने यही ZnO उठा के यहाँ रखा है क्या? हाँ, सिमिलरली जिंक की जो सल्फाइड ओर थी, उसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करके काय में कन्वर्ट किया था, ZnO+SO2। और ये वही जिंक है जो मैंने यहाँ रिडक्शन में यूज कराया था। हाँ, सेम कहानी हम लोग लेड की भी कर सकते थे, कि अगर मेरे पास लेड की कार्बोनेट ओर होती, तो मैं क्या करती? PbO+CO2 कर देती। और मेरे पास लेड की अगर सल्फाइड ओर होती, तो उसकी रोस्टिंग करके उसको PbO+SO2 में कन्वर्ट कर देती। और ये जो दोनों है,
ये जो दोनों हैं इन्हीं को मैं क्या यूज करती, इस वाली रिएक्शन में यूज करती। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यही कहानी छाप बाद में लेना, पहले समझ लो, क्योंकि ये थोड़े से चार मेटल कर रहे हैं हम लोग, इसलिए है ना। एल्यूमिनियम की जो दूसरी कहानी है वो कौन सी है, MnO2, मैंगनीज का जो ओर होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसको हम लोग एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे, तो एल्यूमिनियम मैंगनीज से ऑक्सीजन छीन कर ले जाएगा और ये Mn अकेला रह जाएगा। हाँ, और दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। सेम कहानी किसकी होगी, Fe2O3 की, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम के साथ, और ये अकेला रह जाएगा और मील एल्यूमिनियम क्या होगा, Al2O3 बना लेगा। रुको, लेकिन क्या ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये वाली जो सेकेंड रिएक्शन है ये क्या हाईली एक्सोथर्मिक होती है? हाँ, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। हीट इतनी ज्यादा होती है, हीट इतनी ज्यादा होती है कि जो आयरन रहता है ये कौन से फॉर्म में होता है, मेल्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है, और क्योंकि आयरन मेल्टेड फॉर्म में होता है तो ये कहाँ काम आता है, वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स में। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन। क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ। क्या ये एग्जाम में आने वाली है? हाँ। क्या ये छप चुकी है? हाँ। क्लियर है क्या? अच्छा हाँ, अब छाप लो। चलो, है ना, कहाँ थे हम लोग? अब हमारा क्या हो गया, मिडिल हो गया। अब क्या बचा, हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज, हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है ना, अब हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज में ध्यान से देखो, हमारे हाथ में क्या होता है ना, कौन होते हैं हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम सोडियम। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इसका जो भी कंपाउंड है, जैसे NaCl है, इसके हम लोग क्या पास करते हैं, मोल्टन NaCl से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और ये डीकम्पोज होके क्या बना लेता है, Na और Cl2। अब सुनो, जिन्होंने कहा Na+ और Cl-, ये क्या स्टोरी होती है बेटा, जब ये इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में रहते, जब ये इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में रहेंगे, तब ये जो NaCl है ना, ये काय में ब्रेक हो जाता है Na+ में और Cl-। लेकिन रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। फिर क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो कैथोड जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, तो सोडियम बेचारा Na+, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा, Na, और वहीं पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और वहीं पर क्या हो जाएगा, Na+, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा तभी तो वो Na+ बना, और उसने एक इलेक्ट्रॉन बताओ किसको दिया था, Cl को। उसका ऑक्टेट हो गया था ना, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अपने आप में स्टेबिलिटी नहीं देता ना। ऑक्टेट कब कंप्लीट हो, जब वो किसी को दे दे, अकेला नहीं घूमे। अगर Na+ घूम रहा है तो इसको किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब ये NaCl के फॉर्म में था ना, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट कैसे हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया था, Cl को। तो Cl का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, Na का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये बॉन्डेड स्टेट में, Na+ फ्री स्टेट में स्टेबल नहीं रहेगा। क्यों? हाँ, लेकिन वो डिपॉजिट हो गया ना एक जगह पे। एट एनोड क्या होगा, दो Cl जाएंगे। अब इन दो Cl क्योंकि नेगेटिव है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक्स्ट्रा है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देंगे, एनोड को। ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, एनोड को, और खुद Cl2 गैस बना लेंगे। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे,
एनोड के पास, और ये तो गैस है, तो आप ये चाहो तो इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। एन ए तो बेटा कैथोड पे है ना, एनोड पे तो क्या होगी, क्लोरीन गैस होगी जिसको आप कलेक्ट करोगे। इज दैट क्लियर? बोलो कोई परेशानी ना। इसमें पांच नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, बताओ कैथोड किसको बनाएंगे, एक नंबर। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बताओ एनोड किसको बनाएंगे, एक नंबर। ठीक है, अब रिफाइनिंग में देखो, रिफाइनिंग हम लोग किसकी देख रहे हैं, कॉपर की। रिफाइनिंग हम लोग किसकी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो रिफाइनिंग हम लोग किसकी देख रहे हैं, कॉपर की। ठीक है, जब हम लोग कॉपर की रिफाइनिंग देखते हैं तो कॉपर का ही एक थिन स्ट्रिप, प्योर कॉपर का, प्योर कॉपर जिसमें किसी रिफाइनिंग की जरूरत नहीं है, प्योर कॉपर का एक थिन स्ट्रिप हम लोग क्या बनाएंगे, कैथोड। इम्प्योर कॉपर का, इम्प्योर कॉपर का एक थिक स्लैब क्या बनाएंगे, एनोड। और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, कॉपर का ही कोई सॉल्ट जैसे कि कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, कॉपर का ही कोई सॉल्ट जैसे कि कॉपर सल्फेट। और इन सबसे क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इन सबसे क्या पास करेंगे, अब क्या होगा, अब ये होगा कि हम लोग बोलेंगे कि मेरे पास इन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट जो है वो कैसे टूट जाएगा, Cu2+ और SO4 2-, कहाँ में टूट जाएगा, Cu2+ SO4 2-, एट कैथोड, एट मतलब कॉपर का ही सॉल्ट, कॉपर सल्फेट ले लो, कॉपर नाइट्रेट ले लो, कॉपर कार्बोनेट ले लो, जो लेना है ले लो, सब चलेगा। ठीक है, एट कैथोड क्या होगा, ये वाला जो कॉपर है, एट कैथोड क्या होगा, ये वाला कॉपर कहां से, ये वाला कॉपर दो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा, कॉपर मेटल। और ये कॉपर कहां डिपॉजिट हो जाएगा, इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर वाला कॉपर है, यही स्क्वायर वाला कॉपर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, फ्रॉम कहां चला जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो फिर मुद्दा है एनोड पे क्या होगा, तो हमने कहा एट एनोड जो कॉपर मेटल है, जो कॉपर मेटल है, कहां से आएगा ये, कहां से आएगा ये, एनोड पे है ही, ये एनोड पर है ही। हमने एनोड का क्या बनाया था, देखो फिक्स लैब, तो ये जो एनोड है ये डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, मतलब ये कहां डिपॉजिट हो गया, उस थिन स्ट्रिप पे, उस थिन स्ट्रिप पे डिपॉजिट हो गया जाकर। और इस थिक स्लैब में से, इस जो कॉपर है वो कॉपर आयन बनाएगा, वो कॉपर आयन बनाएगा, और कहां चला जाएगा ये कॉपर आयन, इनटू इलेक्ट्रोलाइट, इनटू, जब ये इनटू इलेक्ट्रोलाइट जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट से फिर कहां जाएगा, कैथोड पे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, एनोड से कॉपर आयन सोल्यूशन में जा रहे हैं और सोल्यूशन से फिर जाके कहां डिपॉजिट हो जा रहे हैं, एनोड से फिर कॉपर आयन कहां में जाएंगे, सोल्यूशन में, सोल्यूशन से फिर कहां जाएंगे, कैथोड पे। तो एनोड से सोल्यूशन, सोल्यूशन से कैथोड, एनोड से सोल्यूशन, सोल्यूशन से कैथोड। इस प्रोसेस में इवेंचुअली क्या होगा, जो कॉपर का थिक स्लैब था वो क्या हो जाएगा, थिन, और एनोड का जो थिन स्ट्रिप था वो क्या हो जाएगा, थिक। आ रही है क्या बात समझ में, बोलो कोई परेशानी। तो देखो इसको कैसे होगा,
यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ पर एक ये क्या है इम्प्योर कॉपर, ये क्या है बेटा इम्प्योर कॉपर, और यहां पर एक थिन स्ट्रिप ली, ये किस चीज की थिन स्ट्रिप है, प्योर कॉपर, और इन दोनों को मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से, ये पॉजिटिव है इसलिए ये एनोड है, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है इसलिए ये कैथोड है, सॉल्यूशन में क्या होगा कॉपर आयंस बनेंगे और सल्फेट आयंस बनेंगे। अब ये जो कॉपर आयंस है ये सॉल्यूशन से जाकर कहाँ चले जाएंगे, कैथोड पे, और यहां से कॉपर जो है क्या डाल देगा इस सॉल्यूशन में, कॉपर आयन डाल देगा, यानी कि आफ्टर सम टाइम ये वाली जो स्ट्रिप है ये कैसी हो जाएगी, पतली, क्योंकि यहां से तो सारा कॉपर कहाँ चला गया सॉल्यूशन में, यहाँ से सारा कॉपर कहाँ चला गया, पर ये कॉपर सॉल्यूशन में भी रहा क्या, नहीं, ये तो कहाँ चला गया, प्योर वाले कैथोड पर डिपॉजिट हो गया, तो थोड़ी देर बाद ये कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। आ रही है क्या कहानी समझ में, ठीक है, और यहां पर कुछ इम्प्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है ना, ये इम्प्योरिटी को हम लोग क्या कहेंगे, एनोड मड, इस इम्प्योरिटी को हम लोग क्या कहेंगे, एनोड मड, ये मड नहीं होता, कभी कभी इसमें नोबल मेटल्स मिलते हैं, ये मड नहीं होता, कभी कभी इसमें नोबल मेटल्स मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड प्लैटिनम, एक्सेट्रा। आई क्या कहानी समझ में, बोलो कोई परेशानी, इवेंचुअली जब ये प्रोसेस चलता रहेगा और एनोड बहुत पतला हो जाएगा तो हम ये प्रोसेस स्टॉप करके एनोड को फेंक देंगे, क्योंकि हम प्रिज्यूम करेंगे अब इसमें इम्प्योरिटी बची, प्योर मेटल बहुत ज्यादा नहीं बचा है, इज दैट क्लियर, बोलो कोई परेशानी। यहाँ पर तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला पार्ट कौन सा, मेटलर्जी क्या होता है, खत्म।